हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग अप। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और यदि आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन आज के लिए है वो रीजनिंग का, उसमें आपको बताना है, एक फिगर ही आपको दिया हुआ है, इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो उसको आपको काउंट करके बताना है। ठीक है, तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो इसमें ट्राइंगल्स को हम काउंट करते हैं, पहले सबसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स को हम काउंट करते हैं। तो एक ये सबसे छोटा ट्राइंगल एक ये है, उसके बाद एक ये दो, एक इधर तीन, एक ये वाला चार, उसके बाद ये ट्राइंगल पांच और ये वाला ट्राइंगल छह। तो छह तो इसमें छोटे छोटे ट्राइंगल है। फिर एक ये ट्राइंगल है ये बीच का सात, देन एक इसी के साथ जुड़ा हुआ इधर वाला आठ और एक इसके साथ जुड़ा हुआ इधर वाला नौ। तो नौ ट्राइंगल हो गए। ठीक है, उसके बाद एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ये तिरछे में इधर को दस। ठीक, और एक इधर ये वाला ग्यारह और यहां पे ये बारह। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे ट्वेल्व। ठीक है, तो बारह ट्राइंगल इसमें प्रेजेंट हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो जॉन है वो उत्तर दिशा से 3 किलोमीटर जो है वो चलता है और फिर बाएं हो जाता है। तो सपोज एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से वो चल रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है 3 किलोमीटर। तो यहां से उत्तर जो नॉर्थ होगा वो ऊपर को होगा, तो 3 किलोमीटर चल रहा है यहां से नॉर्थ में वो। ठीक है, फिर यहां से नॉर्थ में ए पॉइंट से सपोज वो बी पे पहुंचा और यहां बी पे पहुंचने के बाद वो बाएं मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो यदि वो बाएं मुड़ेगा तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर को नॉर्थ में जाने के बाद। तो सपोज वो इधर को मुड़ गया बाएं, और वो बाएं मुड़ने के बाद जो डिस्टेंस कवर करता है वो करता है वो 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, यहां से बाएं मुड़ा और ये चला ये 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने इससे बाएं साइड को ट्रेवल की। ठीक, देन इस पॉइंट पर आने के बाद ये फिर वहां से फिर बाएं मुड़ जाता है। तो ये ऐसे जाएगा, तो इस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट से पहुंचने के बाद फिर बाएं मुड़ेगा तो बाएं इसका यहां पर से नीचे को हो जाएगा और जो नीचे को आता है ये फिर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये भी 3 किलोमीटर हुआ, तो मतलब ये इसी पॉइंट के पैरेलल में पहुंच जाएगा यहां पे। ठीक है, देन इस पॉइंट पर आने के बाद वो क्या करता है, फिर बाएं घूमता है, इस पॉइंट पर आने के बाद फिर बाएं घूमता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है गेम। तो यहां से इस पॉइंट से जो बाया होगा वो इसका इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये इधर को होगा 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर चल रहा है, तो यहां से 3 किलोमीटर जो होगा वो ऐसे होगा 3 किलोमीटर। ठीक, और ये दो है तो जो 3 किलोमीटर मतलब बचा तो यहां पर पहुंच जाएगा, और ये जो बीच की डिस्टेंस इतनी बची ये होगी 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब आपको बताने की अपनी इनिशियल पोजीशन से कहां को है और कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल यहां पे थी इसकी पोजीशन, यहां से कौन सी डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे, 1 किलोमीटर पे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर ईस्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक टोकरी में 400 अंडे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एग्स जो है वो 400 है उसमें, और उन 400 में से जो है 8 दर्जन एग जो है वो सड़े हुए हैं। ठीक है, वो स्पॉइल्ड है, तो जो खराब है, स्पॉइल्ड है, स्पॉइल्ड वो है 8 डजन। 8 डजन मीन्स 8 × 12 और 12 × 8 = 96। तो 96 जो एग है वो स्पॉइल्ड है। तो जो अच्छे एग होंगे, जो गुड एग्स होंगे वो कितने होंगे वो निकाल लेते हैं हम। तो जो गुड एग्स होंगे वो होंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 400 - 96 करेंगे तो 400 में से 96 यदि हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 304। ठीक है, तो 304 आया ये। अब आपको बताना है कि जो अच्छे एग हैं उनका जो परसेंटेज है वो कितना है। ठीक है, अच्छे एग का परसेंटेज निकालना है, तो अच्छे एग तो आपको पता चल गए 304 है, तो उनका परसेंट निकालना है आपको। तो परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छे एग लिखेंगे अपॉन टोटल जो थे × 100। तो परसेंटेज निकालना है आपको, तो परसेंटेज निकालेंगे गुड एग्स 304 अपॉन टोटल 400, ठीक, × 100। तो इसका जो है परसेंटेज आ जाएगी, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, देन 4 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 से कैंसिल होगा 30 को, तो 4 से 30 को करेंगे, 4 × 7 = 28, तो 2 बचेगा 24, और 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 24, तो ये आ जाएगा 76%। ठीक है, तो 76% जो एग होंगे वो अच्छे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बफेलो का हर्ड है, उसमें टोटल जो लेग्स हैं वो 80 लेग्स हैं, ठीक है। टोटल जो पांव है उसमें वो 80 लेग्स हैं, 80 पांव है, ठीक है। 80 पांव है तो कितने बफेलो होंगे वो हम काउंट करते हैं इसमें। तो 80 पांव है, इसका मतलब एक बफेलो के चार पांव होंगे, तो जो नंबर ऑफ बफेलोज होंगे इसमें वो होंगे कितने, 20, ठीक है। तो 20 बफेलोज है इसमें, ठीक, 20 भैंस है इसमें। तो इन 20 भैंसों में कुछ भैंसें जो है वो एक सींग वाली है और कुछ दो सींग वाली है, ठीक है। तो जो आधी भैंस का एक सींग है और बाकी जो बचे उनका भी, उनके दो सींग है। तो आधी भैंस मतलब जो 10 बफेलोज हैं उनके जो सींग है वो एक है और जो आधी बची उनके सींग जो है वो दो है। तो आपको बताना है कि टोटल जो इस पूरे झुंड में कितनी सींगे होंगी, ठीक है। टोटल सींग काउंट करेंगे तो हम कितने होंगे, ठीक। तो 10 के एक है और 10 के दो है, ठीक, आधे आधे हैं। तो इनको हम काउंट करेंगे तो ये 10 के एक है तो ये 10 होंगे प्लस, और 10 भैंसों के दो सींग है तो ये 20 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो सींग है इनके वो 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हॉर्न्स जो होंगे इनके वो 30 होंगे, ठीक है। तो 30 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको दिया हुआ है कि एक मैदान की जो लंबाई है वो 90 मीटर है, तो 90 मीटर लेंथ उसकी है किसी भी फील्ड की, और उसकी जो चौड़ाई है वो 70 मीटर है, 70 मीटर, ठीक है, और 70 मीटर उसकी विड्थ है। ऐसा आपके पास फील्ड है, ठीक है, ये आपके पास फील्ड आया 90 × 70 का एक फील्ड आपके पास है, और उसमें क्या है, एक आदमी जो है उसके किनारे पे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक। तो एक आदमी इसके अराउंड मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की जो उसकी स्पीड है उससे वो मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि उसको 5 चक्कर इसके लगाने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो एक राउंड में जो इसके एक राउंड कंप्लीट करने में जो इसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी वो हम निकालते हैं। तो इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे, तो पेरीमीटर आप इसका निकाल सकते हैं 2 × L + B से, या फिर डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं सीधे सीधे आप, ये 90 ये 70, तो इनको ऐड करेंगे तो वो आएगा 90 + 90 180 और 70 + 70 140, ठीक है। तो 180 + 140 को हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 320, ठीक है। तो 320 जो आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, टोटल पेरीमीटर आ जाएगा एक राउंड में, इतना एक राउंड में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 320 हो जाएगी। अब इसको 5 राउंड इसके कंप्लीट कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस कवर इसको करनी पड़ेगी 5 राउंड चलने में इस पूरे फील्ड के, वो करनी पड़ेगी कितनी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5 × 2 = 10 0 1 carry 5 × 3 = 15 + 1 = 16। तो 1600 जो मीटर है वो इसमें इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी डिस्टेंस आपको मीटर में दी हुई है, ठीक है। तो जो इसकी टोटल डिस्टेंस आई 5 राउंड कंप्लीट करने में आई 1600 मीटर, ठीक है। और उसकी जो स्पीड आपको दी हुई है वो दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर में दी है या मीटर में दी है, तो पहले इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.6 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस होगी 1.6 किलोमीटर और उसकी स्पीड है इतनी। तो अब आपको निकालना है कि इसमें जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है आपको 1.6 इक्वल टू स्पीड, स्पीड आपको दी हुई है 4 के, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको निकालना है, ठीक। तो यहां से इस 4 को यहां भेज देंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1.6/4 इक्वल टू टाइम। तो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 = 16, लेकिन पॉइंट है तो यह आ जाएगा 0.4 आवर, ठीक है। तो 0.4 आवर आ गया, तो यदि 0.4 आवर आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो 0.4 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक आवर में जो होते हैं वो 60 मिनट होते हैं। तो 6 × 4 = 24, तो 24 मतलब 240 आएगा और पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा इसका, तो 24 जो मिनट है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको कवर इस पूरी फील्ड के 5 राउंड कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 24 मिनट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।